मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डी एस एस ऑनलाइन क्लास। आई एम योर कंप्यूटर टीचर अनीश अहमद। स्टूडेंट, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया था और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ करेंगे। MCQ मीन्स मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है और आगे चल के हो सकता है आपको ऑनलाइन एग्जाम भी देना पड़े, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते। इसमें आपको क्या करना होगा, MCQ पहले आप समझिए क्या है, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दिए रहेंगे, लेकिन इसमें एक ही आंसर सही होगा, बाकी आंसर गलत होंगे। आपको सही आंसर को क्या करना होगा, टिक करना होगा। जो आंसर सही होगा उसको ही टिक करेंगे। अगर आप जो आंसर सही है उसको टिक करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने गलत आंसर को टिक कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। आपके चैप्टर फर्स्ट से ही आपको ये लिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क। कंप्यूटर हमारे काम को क्या बनाता है, इजी बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाता है यानी कठिन बनाता है, या स्लो बनाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारे काम को इजी बनाता है। कंप्यूटर जो है हमारे काम को इजी बनाता है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, आपके ऑनलाइन एग्जाम में या टेस्ट में, तो अगर आप इस आंसर को टिक करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को टिक कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक लाइक एन एनिमल। इनमें से कौन सा पार्ट एनिमल की जैसा दिखता है? ठीक है, फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर एनिमल की तरह दिखता है? नहीं दिखता है। सीपीयू भी नहीं दिखता है। माउस आपका एनिमल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम माउस है। ठीक है, वो देखने में माउस की तरह है, दिखता है, चूहे की तरह दिखता है, इसलिए कंप्यूटर के इस पार्ट को माउस कहा जाता है और इसका नाम भी माउस पे ही रखा गया है, चूहे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये देखने में चूहे के जैसा दिखता है, तो इसका राइट आंसर आपको माउस पे टिक करना होगा। आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या कीबोर्ड को कहा जाता है? जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वह आंसर बता चुके होंगे, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ए लुक लाइक अ टेलीविजन। दिखने में वो टेलीविजन जैसा है। आई डिस्प्ले व्हाट यू राइट, वो डिस्प्ले करता है जो आप लिखते हैं। हु एम आई, वो कौन है बताइए, वो कौन है जो आपके काम को दिखाता है, मॉनिटर, सीपीयू या माउस? तीनों में से कौन सा आपके काम को दिखाता है? मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या है? डिस्प्ले करना। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो स्टूडेंट, आपके कीबोर्ड में 26 अल्फाबेट होते हैं और ये आपके सही आंसर, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा कि टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट कितने होते हैं, 2, 6 या 5? सही आंसर क्या है? 5। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट होता है मॉनिटर, सेकेंड सीपीयू,
third keyboard, fourth mouse और फिर speaker, ये पांच होते हैं। आपको ये याद रखना है और इनके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर फिट इन योर हैंड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर आपके हाथ में फिट हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, कौन सा फिट हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो बड़ा होता है, ये हमारे हाथ में आ नहीं सकता। लैपटॉप कंप्यूटर हम अपने हाथ में नहीं रखते, पैर पर रख के चलाते हैं। और टैबलेट, ये हमारे हाथ में आसानी से फिट हो जाता है, हम इसे हाथ में रख के चला सकते हैं, ठीक है। एट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको कई बार बताया कि सीपीयू का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल पावर यूनिट और सी है कैबिनेट प्रोसेसिंग यूनिट। तीनों में से कौन सा सही लग रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ये आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट, ऐसे ही आपके आगे और भी हम एमसीक्यू कराएंगे आपको इसी तरह। अगर आपका टेस्ट होता है ऑनलाइन तो आपको सही आंसर देखकर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक। सही आंसर पे क्लिक करेंगे नहीं तो आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एमसीक्यू और करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।